हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हार्सिंग ऑनलाइन क्लास क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड डेटा हैंडलिंग। इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट पीरियड में सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के मेथड्स। फर्स्ट मेथड था अर्थमेटिक में, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन देखे थे। सेकेंड मेथड है मीडियन और थर्ड है मोड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन डिस्कस करेंगे। देखिए मीडियन, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला देखा था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस अटेंड किए थे, ऐसे ही हम मीडियन पहले स्टेप को समझेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। तो मीडियन के स्टेप क्या होते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, स्टेप वन, जो हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे, इट मीन्स गिवन डेटा नंबर्स, एक ही बात है। तो गिवन नंबर्स होंगे उनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो फर्स्ट स्टेप होगा अरेंज गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो गिवन नंबर से या तो उनको आप अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉल टू बिग, या फिर आप अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं आपके पास बिग टू स्मॉल। तो किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे गिवन नंबर। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप से जो हमारे पास गिवन नंबर्स है, इट मीन्स वो ऑब्जर्वेशन है। आप गिवन नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, उनको काउंट करेंगे आप सेकेंड स्टेप में, काउंट द ऑब्जर्वेशन। काउंट करने पर हमारे पास दो ही केस आएंगे, या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। अगर आप गिवन ऑब्जर्वेशन को काउंट कर रहे हो तो दो ही केस आएंगे, या तो ओड नंबर होगा, ओड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए वो ओड नंबर्स होते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन को काउंट कर रहे हैं तो ओड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। काउंट करने पर आपके पास दो केस आएंगे ऑब्जर्वेशन को काउंट करने पर, या तो वो ओड नंबर्स में होंगे या फिर इवन नंबर्स में हो। ऑब्जर्वेशन काउंट कर रहे हो तो या दो केस आएंगे आपके पास, या तो ओड नंबर्स या इवन नंबर। तो ओड नंबर के केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो गिवन ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, स्मॉल एन। ऑब्जर्वेशन काउंट करने पर उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, स्मॉल एन। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास काउंट करने पर 7 आया, 7 क्या है, ऑड नंबर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। काउंट करने पर अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन ओड है, इट मीन जैसे फॉर एग्जांपल 7 है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 अपॉन 2 4th, इट मीन्स 4th नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर होगा ओड नंबर। अब काउंट करने पर अगर इवन नंबर आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, इवन नंबर, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू एन अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, और हम किसका डिवाइड कर देंगे उसमें से 2 का। अगर काउंट करने पर इवन नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 8 आ रहा है, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन को काउंट किया तो आपके पास क्या आ रहा है 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 8, तो इट मीन्स 8 अपॉन 2 फोर्थ
8 अपॉन 2 4 प्लस 1 5th, तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीडियन फाइंड हो जाएगा इवन नंबर्स के केस में। अब इसके बाद देखिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, गिवन नंबर्स होते हैं, पहले स्टेप आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकेंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है, ऑब्जर्वेशन इट मीन्स एन नंबर, उसको हमने डिनोट कर लिया स्मॉल एन से। अगर काउंट करने पर और नंबर आ रहा है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। काउंट करने पर अगर इवन नंबर है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसमें टू का डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसके बाद, अब देखिए जो हमने अभी मीडियन डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा मीडियन कैसे फाइंड करें। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 में से मैथमेटिक्स जो टेस्ट है उसके स्कोर 15 स्टूडेंट्स के गिवन है स्कोर, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो अब मीडियन के जो स्टेप हम रिपीट करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा सॉल्यूशन में स्टेप वन में हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो किसी भी एक ऑर्डर में आप अरेंज करना है आपको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल नंबर जो गिवन नंबर से हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर है इसमें 5, तो अरेंज करेंगे इसको 5 फर्स्ट, फिर उसके बाद 5 के बाद कौन सा है, 5 से बड़ा हमारे पास है 9। देखिए 9 और भी नंबर है भाई, तो ये 9, 9 के बाद देखिए 9 से बड़ा कौन सा नंबर है, 12। अंडरलाइन करते जाइए उसको, जो आता जाएगा हमारे पास 12। 12 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 12 के बाद नंबर आ रहा है 5, हाँ 9 से पहले 10 भी है, 12 से पहले 10 फिर 12, 10 हो गया 12 हो गया। अब इसके बाद 12 के बाद नंबर देखिए 15 आ रहा है और 16 भी आ रहा है, 15 16 के बाद नंबर है हमारे पास 19, फिर उसके बाद 19 के बाद 20 22 टाइम्स 1 2 3 4, जितनी टाइम्स आ रहा है उतनी टाइम्स ही राइट करेंगे इसको, 20 को 4 टाइम्स, 20 के बाद नंबर है हमारे पास 23 24 के बाद हमारे पास नंबर है 25 तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमने अरेंज किया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग। याद रखना जो नंबर जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उतने टाइम से उसको राइट करना है, तो ध्यान से इसको नोट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो काउंट करके आप देखें 15 स्टूडेंट 15 ऑब्जर्वेशन, तो कोई मिस ना हो जाए इसके अंडरलाइन करते हुए चले नंबर्स, तो इससे पता लग जाएगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। सेकेंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन काउंट करने पर 15 आ रहा है, स्टेप सेकेंड टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 15, तो काउंट करने पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है स्मॉल एन उसकी वैल्यू क्या आ रही है 15। और 15 हमारे पास देखिए 15 है हमारा ऑड नंबर, क्या है ये ऑड नंबर,
तो काउंट करने पर दो ही केस होते हैं, या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो इस केस में ओड नंबर है, ओड नंबर के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं, आप इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ओड नंबर के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीडियन, मीडियन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 15 ओड नंबर है, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे हम मीडियन इक्वल टू 15 प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर ले, 15 प्लस 1 16, 16 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा आंसर क्या आया, 8th ऑब्जर्वेशन मीडियन। अब हमें काउंट करना है 8 नंबर की ऑब्जर्वेशन कौन सी है, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर हमारी ऑब्जर्वेशन आ रही 20। इट मीन्स मीडियन इक्वल टू 20 आंसर, क्लियर है। तो मीडियन हमारा क्या होगा, 20, दैट इज आंसर।